Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our second part of chapter 10. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका chapter 10 जिसका नाम है importance of library का second part पढ़ने जा रहे हैं. सभी बच्चे ध्यान से अपनी book open करेंगे और ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. इससे पहले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी का महत्व क्या है, लाइब्रेरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लाइब्रेरी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लाइब्रेरी के अंदर हम जाकर कोई भी किताब आराम से ले सकते हैं, वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इवन द बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी Even the best school library, however, will not be able to answer all these questions or provide enough books for students who enjoys reading. So, the next step is to use the public library. Means, even the best school library, यानी यहाँ तक कि जो best school library हैं, जो school library हैं, पहले हमने पढ़ा था कि दो तरह की लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी और एक पब्लिक लाइब्रेरी. जो स्कूल लाइब्रेरी होती है, हाउएवर यदि विल नॉट एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, यानी वो यदि वो तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती, जो तुम ढूंढना चाहते हो वहाँ नहीं मिल पाता, या प्रोवाइड इनफ बुक्स फॉर स्टूडेंट्स हु इंजॉय रीडिंग, यानी वो प्रोवाइड काफ़ी किताबें प्रोवाइड नहीं आपको कर पाती जो स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप, तो जो हमारा अगला कदम होगा, तो हम इज टू यूज़ द पब्लिक लाइब्रेरी, यानी फिर हम पब्लिक लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, यानी सार्वजनिक जो पुस्तकालय होता है उसे पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं. मीन्स अगर हमें स्कूल की लाइब्रेरी में वो सारी किताबें जो हमारे इंटरेस्ट की हैं या जो हम जानना चाहते हैं वो हमें स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. एवरी टाउन एंड सिटी हैज अ पब्लिक लाइब्रेरी एंड इवन इन सर्टेन विलेजेस देयर आर ब्रांचेस ऑफ लाइब्रेरीज. द यूज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इज फ्री एंड एनीवन कैन जॉइन बाय साइनिंग अ फॉर्म एंड प्रॉमिसिंग टू कीप द रूल्स and take care of book borrowed. Means every town यानी प्रत्येक नगर and city प्रत्येक शहर has a public library. एक public library रखता है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय रखता है, यानी किसी शहर में या किसी नगर में उसका अपना एक पुस्तकालय होता है. and even in a certain villages यानी कुछ गाँव में भी जो है पुस्तकालय आपको मिल सकता है. देर आर ब्रांचेस ऑफ लाइब्रेरीज, वहाँ पर जो है जो आपकी लाइब्रेरी है उसकी अलग अलग शाखाएँ भी होती हैं, छोटी छोटी अलग कह के लाइब्रेरी आपको गाँव में भी मिल सकती हैं. द यूज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इज फ्री, यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है उसका प्रयोग आप फ्री में कर सकते हैं. एंड एनी वन कैन ज्वाइन, और कोई भी ज्वाइन कर सकता है. साइनिंग अ फॉर्म, एक फॉर्म पर साइन कर कर या अपने हस्ताक्षर कर कर. एंड प्रोमिसिंग टू कीप द रूल्स, और जो उसके रूल्स हैं, जो उसके नियम हैं लाइब्रेरी के, उन्हें वो निभा सकता है. एंड टेक केयर ऑफ बुक बोरोड, बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, और वो वहाँ से किताबें भी उधार ले सकता है पढ़ने के लिए. देयर इज अ पिक्चर एंड यू कैन सी दैट देयर थ्री स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दिस लाइब्रेरी. यहाँ पर आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है किस तरह से बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, और इनके चारों तरफ जो है बुक्स लगी हुई हैं. ऐसे लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारी किताबें लगी होती हैं, उनमें से आप अपने इंटरेस्ट की, अपने जो आपको चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, वो उन किताबों से आप ले सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Some libraries allow only two books to be borrowed at one time, while in other there is no limit. All books are recorded when borrowed. This is done by keep the reader's ticket
Now computers are used to keep records of books. The borrowed books show the date by which it must be written, which is usually 2 or 3 weeks. It is not fair to keep books for which there may be waiting. Means some libraries माने कुछ पुस्तकालय allow means आज्ञा देते हैं only 2 books, केवल 2 किताब देने की, to be borrowed, उधार at one time, यानी कुछ library ऐसी होती हैं जो एक समय में 2 किताबें आपको उधार देती हैं पढ़ने के लिए, while in other, जबकि दूसरी जो दूसरी library है, there is a no limit, वहाँ कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी किताबें उधार ले सकते हैं, but उधार लेने के बाद जो उसका timing होता है, एक time के बाद वो आपको किताबें वापस पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरीज में जमा करनी होती हैं। ऑल बुक्स आर रिकॉर्डेड व्हेन, यानी जितनी भी किताबें होती हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका जो है हिसाब किताब रखा जाता है, व्हेन बोरोड, जब वो उधार ली जाती हैं, यानी जब किताबें आप उधार लेते हैं तो उनका रिकॉर्ड होता है, एक तरह से उन पर डेट डली होती है कि किस डेट में आपने ली है और किस डेट में आपको जमा करनी है, ये सारा लेखा जोखा एक रजिस्टर में नोट होता है। This is done by keep the reader's ticket. यह एक जो पढ़ने वाला है उसका एक टिकट बना होता है, एक कार्ड बना होता है, उस कार्ड पर उसकी एंट्री की जाती है। Now अब computers are used to keep records of books. अब जो computers हैं उनका प्रयोग होता है किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कौन सी किताब कौन ले गया, कब ले गया, कब उसे जमा करनी है, ये सारी रिकॉर्ड्स अब पुस्तकालय का जो है कंप्यूटर में भी रखा जाता है। द बोरोड बुक्स, जो किताबें उधार ली जाती हैं, शो द डेट, उन पर एक डेट लिखी जाती है, बाई विच इट मस्ट बी रिटर्न, यानी जिस डेट में आपको वो रिटर्न करनी होती है, वापस करनी होती है, विच इज यूजली 2 or 3 weeks, ये अक्सर जो है 2 or 3 weeks, 2 या 3 सप्ताह के लिए आपको किताब उधार दी जाती है। इट इज़ नॉट फेयर टू कीप बुक्स, यानी ये अच्छा नहीं है, फेयर मीन्स अच्छा, टू कीप बुक्स, किताबों को रखना, फॉर विच अदर मे बी वेटेड, क्योंकि जो दूसरे हैं वो प्रतीक्षा करते हैं उन किताबों की, इसलिए जो किताबों का सही समय पर जो डेट लिखी होती है उसी डेट पर आपको वो किताबें वापस उस पुस्तकालय में जमा करनी होती हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपको याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।